बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं लाल खान हूँ। माजरत के साथ, कल एक दोस्त की शादी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो आज कुछ ख़बरें काफ़ी जमा हो गई हैं तो मैंने कहा आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। एक तो इमरान खान ने क्लियर मैसेज दे दिया है ताकतवर हलकों को और PDM हुकूमत को कि भी आप क्या करने जा रहे हैं और उसका मैंने क्या जवाब देना है। दूसरा, इस टाइम नून लीग वाले फुल लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमारे मुतालबे माने। वो क्या मुतालबे हैं, वो क्या शरायत हैं, क्या उन्होंने आगे रखी हैं इस्टेब्लिशमेंट के आगे, आर्मी चीफ के आगे, ये पूरी डिटेल भी आपको सामने रखते हैं। दूसरा, आसिफ जरदारी भी मैदान में उतर चुके हैं, उन्हें भी समझ आ गई है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए वो भी अपने वो क्या कहते हैं कि पत्ते शो करना शुरू कर दिए उन्होंने। ये पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। पहले तो इमरान खान ने क्लियर मैसेज दिया है आर्मी चीफ को और सब ताकतवर हलकों को और साथ PDM गवर्नमेंट को कि आपने जो कुछ करना है कर ले, मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूँ, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, जेल में डालो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। जब GIT के अंदर उन्हें पेश किया गया तो उधर GIT वालों का मुंह बंद कर दिया इमरान खान ने 2 मिनट के अंदर। GIT वालों ने जो सवाल जवाब किए उसके तो इमरान खान ने क्लियर जवाब दिए और तगड़े जवाब दिए, लेकिन साथ जब उन्होंने थोड़ा ब्लैकमेलिंग वाला आंसर शामिल किया, ज़बरदस्ती बात अपनी बात सुनवाने और मनवाने की कोशिश की, तो इमरान खान ने कहा कि सदा ये वक्त नहीं रहेगा और इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो आप सबको हिसाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जुमला है और आप सब ने नहीं रहना, ये बात भी याद रखें, और मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, सबसे मैं हिसाब लूँगा। तो ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि धमकी समझ लें या एक इमरान खान का क्लियर मैसेज समझ लें कि आपने जो कुछ करना है कर लें, मेरी PTI पार्टी को तोड़ना है, पार्टी को तोड़ने जो छोड़ चुके हैं लोग उनको इतना बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप सुन के हैरान होंगे। ये जो चीमा थी वो जब छोड़ के गई, उन्होंने सियासत से भी अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन उसके शोहर का जो कल ट्वीट आया वो बड़ा हैरान कन था। उन्होंने कहा जी हमें अब भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे जो कारोबार हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि डेयरी फार्मों से पुलिस वाली गाड़ियाँ आती हैं और दूध भी उठा कर ले जाते हैं, वो तक नहीं छोड़ते। प्रेशर एक ही है, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो और नई पार्टी जो लॉन्च की है ताकतवरों ने उसको ज्वाइन करो। तो हम ये नहीं कर सकते, आप कोई खुदा नहीं हो या खुदा के अवतार नहीं हो कि हम हर बात आपकी माने। यहाँ तक नौबत आ गई, अब अवाम खड़ा होना शुरू हो गई है, अवाम रजिस्ट करना शुरू हो गई है, क्योंकि जितने उन्हें ताकत दिखानी थी, जितना कुचलना था, अब लोग उसको बर्दाश्त कर चुके हैं। अब जितना मजीद प्रेशर डालेंगे अवाम उतना उसको सह लेगी और मजीद उसका रिएक्शन आएगा। यही चीज़ें आलमी इदारे भी देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मुल्क को किस साइड पे लेके जा रहे हैं। इमरान खान ने क्लियर मैसेज दिया आर्मी चीफ को कि खुदारा अब भी मुल्क का सोचें, इन चीज़ों के पीछे ना जाएँ, ज़ातियात ना, और ये जो नवाज शरीफ की आप सारी इन चोरों के टब्बर की तरफदारी कर रहे हैं ये ना करें, यह मुल्क की तबाही है। और उसके नतीजे भी आना शुरू हो गए कि PMLN वाले इस टाइम नून लीग वाले ब्लैकमेल करना शुरू हो गए आर्मी चीफ को, क्योंकि पेन वजीर आजम के हाथ में है, जिससे तकरारियां भी होती हैं, तबादले भी होते हैं, और ये ब्लैकमेल की जा रही है आर्मी चीफ को कि भाई अगर आपको लगाया है तो आपको हटा भी सकते हैं, तो उससे पहले कि हम हटाएं आपको तो इमरान खान को कुचल डालो, PTI को कुचल डालो, उनको जेलों में डालो, उनको जो कुछ करना है करो ताकि नवाज शरीफ का रास्ता क्लियर हो, नवाज शरीफ वतन वापस आ सके। इसलिए नवाज शरीफ आ नहीं रहा क्योंकि नवाज शरीफ को हमेशा जो लाते हैं उन पर वो एतबार कभी भी नहीं करता, तो अब भी उनको एतमाद नहीं है उनके ऊपर कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि पहले मुझे इसका प्रैक्टिकल करके दो, फिर मैं आऊँ और मुझे ये श्योरिटी हो जाए कि मैं आऊँगा तो मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। आसिफ जरदारी भी एक्शन में आ चुके हैं, आसिफ जरदारी ने पूरा जो मॉडल टाउन सानिया वाला जो फाइलें वो खोलना शुरू कर दी हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी को समझ आना शुरू हो चुकी है कि ये मेरे साथ भी हाथ करने जा रहे हैं, मुझे भी पंजाब से किकआउट करने की कोशिश की जा रही है। और नून लीग का भी यही प्लान है कि भाई आसिफ जरदारी को निकालो, ये उनकी बी टीम बनकर PTI वालों के साथ हमारे साथ ब्लैकमेल कर रहा है, हमें हमसे खेला जा रहा है, इसलिए इनको किसी तरीके से साइडलाइन करो PTI को, ताकि बस बात वही है कि खुला मैदान हो जहाँ सिर्फ हम हो और हमारा राज हो और हमें आने से कोई ना रोक सके। हालांकि चाइना और
जितने दोस्त ममालिक हैं वो बार बार ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि खुदारा कुछ होश के नाखन लो, इन चीज़ों से पीछे हटो, आप मुल्क की तबाही कर रहे हो। हारून रशीद साहब अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि भाई सब दोस्त यही ममालिक यही कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हो। इंटरनेशनल मीडिया, अगर इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया जितना आप उन्हें दबा रहे हो, तो कौन आपके इन इलेक्शनों को मानेगा? इंटरनेशनल जो दुनिया है, मीडिया है, वो जो सब कुछ जो देख रहा है, तो वो इस बात को कहेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? तो आपके पास क्या वक़्त रह जाएगी? और इस हकूमत को अगर आप ज़बरदस्ती ले भी आए किसी तरीके से, इस तरह करके तोड़ फोड़ करके, तो 3-4 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो खुदारा अब भी इन चीज़ों को समझें। इमरान खान की मकबूलियत इस टाइम उरूज पे चली गई है, 80% मकबूलियत हो चुकी है नए सर्वेज के मुताबिक। अब इनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और हम इन चीज़ों को हैंडल किस तरह करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, अपने चैनल का भी, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।